ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं पोटैटो एक्सपोर्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट पोटैटोज फ्रॉम इंडिया। आप पोटैटोज यानी आलू कैसे एक्सपोर्ट करोगे भारत से, कहां से सोर्स करोगे? तो आलू एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आलू यानी पोटैटोज कहाँ से आप सोर्स करोगे और कहाँ एक्सपोर्ट करोगे। इंडिया 142 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है पोटैटोज, ठीक है। भारत से 142 कंट्रीज को पोटैटोज एक्सपोर्ट होता है। इंडिया का कंपटीटर्स है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज है ये इंडिया का कंपटीटर्स है। इन एरियाज में रशिया यूक्रेन एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बेस्ट पोटैटोज ग्रो होता है। लेकिन इंडिया का जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है तो इंडिया बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है बिकॉज इंडिया का मार्केटिंग स्ट्रांग है एंड इंडिया का जो लोकेशन भी काफ़ी हेल्पफुल होता है इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। सेंट्रल एशियन कंट्री के पास ज़्यादा करके पोर्ट्स नहीं है एंड रशिया के पास भी जो पोर्ट्स है तो वेस्टर्न कंट्री को ज़्यादा कनेक्शन ईजिली नहीं होता है क्योंकि उनका जो रशिया बड़ा कंट्री है, साउथ पार्ट ऑफ रशिया में पोटैटोज ग्रो होता है एंड नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट में उनका जो पोर्ट्स है और नॉर्थ पार्ट ऑफ जो पोर्ट्स है ज़्यादा करके बर्फीला इलाका है, बर्फ़ में ढका रहता है। तो इनका ओनली पोर्ट जो काम करने वाला पोर्ट है वेस्टर्न पोर्ट ऑफ ब्लैक सीज एंड ईस्टर्न पोर्ट इन व्लादिवोस्तोक। तो ब्लैक सी एरिया से जो पोर्ट्स है वहीं से रशिया काफ़ी प्रोडक्ट पोटैटोज का एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया कितने सारे पोटैटोज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटैटोज इंडिया हर साल एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। तो पोटैटोज आप कहाँ से सोर्स करोगे? इंडिया में पोटैटो ज़्यादा करके जो होता है ग्रो होता है गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आपका होता है जो वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, तो ऐसा बहुत सारे जो हमारा स्टेट है इंडिया का, उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, तो बहुत सारे स्टेट में ग्रो होता है पोटैटोज। तो बेस्ट पोटैटोज इंडिया एक्सपोर्ट्स कहाँ करते हैं मैं बताऊँगा। तो पोटैटोज आपको ग्रो पोटैटोज आपको अरेंज करने के लिए आपको फार्मर से लेना पड़ेगा या ट्रेडर से लेना पड़ेगा। तो आपको जो 20B2B ट्रेड पोर्टल से हमारा इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स इंडिया डॉट कॉम है और इंडिया मार्ट डॉट कॉम जैसे बड़े बड़े ट्रेड पोर्टल्स भारत का, तो इन ट्रेड पोर्टल्स में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा पोटैटोज। तो पोटैटोज सर्च करोगे तो इंडिया का बहुत सारे ट्रेडर्स फार्मर्स दिखाई देंगे ऑन ऑनलाइन। तो आपको उनको कांटेक्ट करिए, तो आपको पोटैटो चाहिए तो उसको ठीक से पैकिंग करके आपको एक्सपोर्ट करना है, सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना है। एयर कार्गो में कम जाएगा और सी कार्गो में भी जा सकता है ये पोटैटोज। और आप टारगेट करोगे तो स्टार्टिंग में बिजनेस करते हो तो आप नेपाल को टारगेट कर लीजिए। तो इंडिया का जो टॉप बायर पोटैटोज बायर कौन है, टॉप कंट्रीज जो इंडिया से ज़्यादा बाय करते पोटैटोज, हो गया आपका फर्स्ट हो गया नेपाल, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई एंड अमेरिका, यूएसए। तो ये जो कंट्री बता दिया, पांच कंट्री मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं पोटैटोज। तो आप अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो पोटैटोज एक्सपोर्ट करने के लिए तो नेपाल को टारगेट कर लीजिए। नेपाल मिलियन ऑफ डॉलर का इंपोर्ट करता है भारत से पोटैटोज। और नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, चार कंट्री को टारगेट कर लीजिए। देन श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। श्रीलंका के पास खुद का पोटैटोज है लेकिन फिर भी वो इम्पोर्ट भी करता है, तो ये कंट्री को टारगेट कर लीजिए। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो है आपका थाईलैंड है, थाईलैंड इम्पोर्ट करता है इंडिया से पोटैटोज। सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ये चार कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। फिलीपींस नंबर सेकेंड में आता है इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा बाई करता है पोटैटोज। तो फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, चार कंट्री को टारगेट कर लीजिए। एंड आपका मिडिल ईस्ट में जितने सारे गल्फ कंट्रीज हो गया, जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज, सिक्स कंट्रीज को आप टारगेट कर लीजिए क्योंकि ये छः कंट्री के पास कुछ भी प्रोडक्ट ग्रो नहीं हो रहा है पेट्रोल के अलावा, गैस के अलावा, इसलिए आप इन छः कंट्री को टारगेट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट पोटैटोज यूएई इंपोर्ट करता है भारत से, तो यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत को टारगेट कर लीजिए। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में कुछ कंट्रीज हो गया जैसा कि आपका येमेन हो गया, येमेन एंड आपका आ गया जो इजिप्ट हो गया, इजिप्ट भी एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, इन कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए। उसके बाद टारगेट कर लीजिए अमेरिका, यूएस जो है, यूएस पोटैटोज इंपोर्ट करता है, पोटैटोज के बहुत सारे प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करता है वेफर्स वगैरह, तो पोटैटोज अमेरिका, कनाडा को एक्सपोर्ट कर लीजिए, यूके को एक्सपोर्ट कर लीजिए। आजकल यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, यूके, जर्मनी,
ये तीन कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया, तो आप इन तीन कंट्री को टारगेट कर लीजिए, USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्री को टारगेट कर लीजिए पोटैटोज एक्सपोर्ट में। बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, इवन चाइना हो गया, एंड ऑल द कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, पूरे कंट्रीज भी, यूरोपियन यूनियन भी इंपोर्ट करते हैं पोटैटो। सो 142 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 142 कंट्री भारत से पोटैटोज इंपोर्ट करते हैं। तो आप पोटैटोज इंडिया से सोर्स करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया पोटैटोज एक्सपोर्ट करने के लिए किस किस कंट्री को टारगेट करोगे, और जो जो कंट्री का नाम बता दिया उस कंट्रीज के ऊपर वीडियोज में बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फिलीपींस, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर, हाउ टू एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, मैं वीडियोज बना चुका हूँ। आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट, कैसे पैकिंग करना है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और कुछ वीडियोस का लिंक्स मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस देख लीजिए, तो आपको काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो अगर आप पोटैटोज यानी आलू एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत से, तो आप जितने सारे हमारा इंडिया का ट्रेड पोर्टल से indiamart.com, tradeindia.com, exportersindia.com, बहुत सारे हमारा ट्रेड पोर्टल से, उसमें जाकर पोटैटोज सर्च करिए, पोटैटोज का ट्रेडर्स फार्मर्स मिल जाएंगे, उनको कॉन्टैक्ट करके टन्स के हिसाब से आप 40 फीट कंटेनर में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो पोटैटोज। और इंडिया टू एक्सपोर्ट टू नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश काफ़ी ईजी है, क्योंकि आप कंटेनर के द्वारा, ट्रक के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इसके लिए आपको इंडिया में बहुत सारे ट्रकिंग कंपनीज है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कंपनीज अपने अपने ट्रक को नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश को भेजते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो कंपनीज का ड्राइवर आपका डॉक्यूमेंट्स कैरी करेगा, बॉर्डर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज करेगा, और करके वो आपका प्रोडक्ट को लेकर जाकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार में पहुँचा दिया जाएगा। तो ईजी है। और यहाँ पर पाकिस्तान को भी काफ़ी पोटैटो जाता था, लेकिन फिलहाल अभी ट्रेड बंद है, तो इसलिए आपको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार, भूटान एंड मालदीव्स को टारगेट कर लीजिए। फिलहाल स्टार्टिंग में आप नेपाल को टारगेट कर लीजिए, आपको ह्यूज ऑर्डर मिलेगा नेपाल को एक्सपोर्ट करने के लिए पोटैटोज। तो मैं डिटेल्स में बता दिया पोटैटोज एक्सपोर्ट कहाँ होगा, कौन से कंट्री इंपोर्ट करोगे, और कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हो, अगर आप फेसबुक मार्केटिंग जानते हो या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को बताकर आप नेपाल में फेसबुक मार्केटिंग, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड लिंक्डइन मार्केटिंग वगैरह करके, या गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल एड एंड गूगल एड सर्च, दोनों एडवर्टाइजमेंट करके नेपाल में स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नेपाल में बायर्स को दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो नेपाल बता दिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चार कंट्री को टारगेट कर लीजिए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये चार कंट्री को टारगेट कर लीजिए। देन यू कैन टारगेट टू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत को टारगेट कर लीजिए। इन कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए, आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो पोटैटोज। और बड़ा कंट्रीज होगी आपका बता दिया, US, अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी एंड फ्रांस, इन कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटोज इंपोर्ट करते थे यूक्रेन एंड आपका रशिया से, क्योंकि अभी वार के लिए वहाँ ट्रेड बंद है, तो आप यूरोपियन यूनियन में हर कंट्री को टारगेट करके पोटैटोज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स में बता दिया पोटैटोज कैसे एक्सपोर्ट करोगे। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट के लिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।